नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उंचकार्स के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास है भाई साहब टाटा नेक्सॉन की अभी जो कीमत में आपको स्कॉर्पियो एस, वो भी क्लासिक स्कॉर्पियो एस है और इसको बनाया गया है टॉप मॉडल। कैसे बनाया गया है, कितना खर्चा लगा है, क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। और ये है बेस मॉडल 9 सीटर स्कॉर्पियो एस, और इसमें ऐसे क्या क्या काम किया गया है ताकि ये जो है स्कॉर्पियो एस 11 बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि वैल्यू फॉर मनी हो जाती है कि इतना काम करा के आप जो है बेस मॉडल पे भी जा सकते हो और इसको एकदम लुक वाइज बढ़िया एलॉय वगैरह लगा के आपको इसको जो है टॉप मॉडल भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए फ्रंट से दिखाता हूँ। ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट से आप देख सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी गई है। तो हाँ भाई, चाबी तो बनता ही है। यहाँ पे आपको की मैं दिखाऊंगा, ये ऐसे कुछ की मिल जाती है, स्लिप की मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबल रिमोट जो है यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि दिया गया डिज़ाइन आप जो है प्रॉपर रिमोट टाइप का फील आएगा आपको, भी आप जो है रिमोट की बनवा सकते हो आफ्टर मार्केट, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये सामने से ऐसा कुछ देख सकते हो, यहाँ पे महिंद्रा का आपको लोगो मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लेते हो यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको भर भर के। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप क्रोम लगा सकते हो और अच्छा दिखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे आप इसके हेडलैम्प देख सकते हैं, ऐसा कुछ हेडलैम्प मिल जाता है आपको, हेलोजन में मिलता है इस वेरिएंट में, एस वेरिएंट में। अब इसमें करवा सकते हैं एलईडी भी, यहाँ पे फोग लैंप का ऑप्शन आ जाते हैं। हालांकि लगा नहीं है, लेकिन स्टॉक में फोग लैंप रखा गया है इसके बूट में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल ऐसा कुछ इसकी प्लेट वगैरह मिल जाता है प्रॉपर गाड़ी का, और जो गाड़ी का स्पॉन्सराइज है लुक वाइज है, बोनेट थोड़े पे डिज़ाइन वगैरह प्रॉपर ऐसे कुछ देखने को मिलता है। एक यहाँ पे आपको मिलता है वॉशर वाइपर वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके हम साइड प्रोफाइल की तरफ, पूरी गाड़ी साइड से आप देख सकते हो, ऐसा कुछ देखने में आपको लग जाती है। अब भाई प्रश्न पूछता है, आप इस बेस वेरिएंट में आप टॉप कराया गया है तो क्या क्या इसमें लगाए गए हैं। सबसे पहले एलॉय देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे एलॉय आपको डुअल टोन में, ये देखिए ऐसा कुछ मिल जाता है प्रॉपर, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है। और टायर सेक्शन की बात करते हैं, 235/65/817 का यहाँ पे एलॉय आपको मिलता है प्रॉपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ जो है सस्पेंशन ट्रेवल्स वगैरह मिलते हैं। और फुट स्टेप्स भी भाई ये देख रहे हैं, फुट स्टेप्स भी यहाँ पे एक्सेसरीज में लगाए गए हैं प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ में क्लाइडिंग वगैरह मिल जाता है, और क्लासिक में ना जो बोलते हैं ना एक रियल स्कॉर्पियो, रियल बिग डैडी, ये आपको क्लासिक में रियल एसयूवी, जो पहले वाला लोग बोलते हैं स्कॉर्पियो आने के बाद पहले वाला स्कॉर्पियो वाली फील जो है इसमें आपको मिलती है। लेकिन डोर हैंडल्स में आप क्रोम वगैरह लगवा सकते हैं, फिलहाल ये ब्लैक में ही आपको चीज़ें मिल जाती है। अभी हम अंदर चलेंगे और भी देखेंगे अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं फिलहाल। और यहाँ पे ORV में आपको जो सी ब्लैक चीज़ मिल जाती है, ऐसा कुछ ORV मिलता है। MHOG की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, MHOG इंजन है तो, और इंडिकेटर यहाँ पे फेंडर में भी है, यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया साइड से, और हाँ ये चीज़ें आपको भी यहाँ पे मिल जाती है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना प्रॉपर रूफ रेल यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप लगाया गया है, वो भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या है। अब हम जल्दी चलते हैं इसके बूट की तरफ। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लैक में ही डोर हैंडल्स है, और प्रॉपर यहाँ पे आपको पूरा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। 9 सीटर है तो 2 सीट इधर 2 सीट इधर, और 2 2 4 हो गया, 4 3 7 8 9 9 सीटर के तौर पे ये आप देख सकते हैं, ऐसा 2 सीट साइड में लगाया गया प्रॉपर, इसको फोल्ड करके ऐसा आपको बढ़िया सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। चाहे आप पर्सनल यूज़ करिए, चाहे इसको आप जो है कमर्शियल पर्पज से यूज़ करिए, सभी में फ़ायदा देती है ये गाड़ी। प्रॉपर यहाँ पे जो है क्रैब हैंडल है उसके थ्रू आप यहाँ पे स्पॉइलर यहाँ पे बाहर से ही लगाया गया है। तो आई होप आप जो है देख चुके होंगे ओवरऑल इसका एक्सटीरियर से, यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स हैं, और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग जो है सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी फुट स्ट्रिप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे प्रॉपर क्लासिक और एस की बैजिंग वगैरह मिल जाता है। और इसके टेल लैंप की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ टेल लैंप यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि हैलोजन यहाँ पे आप ऐसे कुछ स्कॉर्पियो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे टेल लैंप ऐसे कुछ मिल जाता है। आइए हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। ओके, तो भाई साहब ये है इसका इंटीरियर, क्लासिक का इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बैठने के लिए ये फूड स्ट्रिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे अंदर में बैठने के लिए। तो भाई साहब अभी हम अंदर में आ चुके हैं, की जो है यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पे चाबी लगाने का ऑप्शन मिलते हैं, और इसको हम जो है इसे लगा सकते हैं। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है नॉर्मल सा। MID यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B सेट कर सकते हो, और
ऐसा कुछ जो है आपको यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिलता है और दो एयरबैग इसमें आ जाते हैं और भी बाकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये आप यहाँ पे एसी वेंट देख सकते हैं, ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं फ्यूल फिलर का कैप खोलने का यहाँ पे बटन दिया गया, एडल स्टार स्टॉप का बटन यहाँ पे मिलता है इसमें। भाई साहब ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे माइलेज इंप्रूवमेंट बढ़ता है। यहाँ पे लाइट्स के लेबलर मिलते हैं और एसी के वेंट सुना है, यहाँ से आप जो है सेट कर सकते हो और ऐसा कुछ स्टेयरिंग मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल करना है ओके, तो भाई साहब इस बेस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल एक लिए टिल्ट स्टेयरिंग मिलती है और यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। फिलहाल एक बार मैं जो है गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट ओके। तो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक एस, ये भाई साहब गाड़ी स्टार्ट। पहले क्या जो स्कॉर्पियो में इशू आती थी ना, इसको लेके आती थी, अभी गाड़ी देखिए स्टार्ट हुआ है। फिर से मैं बंद करके एक बार स्टार्ट करता हूँ ओके। ये देखिए अभी जैसे सेल्फ लिया, ये देखिए बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है और बंद करते टाइम भी आपको गियर में वाइब्रेशन नहीं मिलता है, वो एक अच्छा सुधार जो है इसमें किया गया है। फिलहाल एसी को अगर हम ऑन करते हैं, यहाँ पे कोई प्लेयर वगैरह लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिलहाल आप लगा सकते हो अपने मुताबिक। यहाँ पे कोई प्लेयर लगाओ आप, यहाँ पे एंड्रॉयड लगाओ, कुछ भी यहाँ पे आप करवा सकते हैं। फिलहाल एसी को हम अपन करते हैं ऑन और ये है यहाँ पे सेंटर में ऐसा कुछ एसी वेंट्स मिल जाता है। ओवरऑल यह जो डुअल टोन रखा गया है, ये अब जो है ब्लैक और बेस का जो कम्बिनेशन है वो पूरा डैशबोर्ड में मिल जाता है। ऐसा SRS एयरबैग की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है या ऐसा कुछ ग्लोव बॉक्स दिया गया है, स्कॉर्पियो की यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो बाहर से अगर हम देखते हैं भाई आई पॉइंट पे, आप देख सकते हो बाहर का जो बोनट है, बैठने के बाद एक जो एक कमांडिंग पोजिशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ऐसा कुछ IRBM यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है वेंटी मिरर एक ही साइड इधर दिया गया है और बाकी अगर हम देखते हैं तो साइड से ये ऐसा कुछ मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिलते हैं, यहाँ पे आपको पीली लाइट मिल जाती है और ऐसा कुछ सीट दिया गया है यहाँ पे। ये देख रहे हैं कुछ चीज़ें अभी भी गाड़ी में रखी गई हैं, एसेसरीज पार्ट है भाई साहब। तो ये एक एसेसरीज वाला वीडियो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या एसेसरीज में जो है लगाए जाते हैं। कुछ फूट स्ट्रेस वगैरह का जो सिस्टम है वो यहाँ पे रख दिया गया है। फिलहाल अभी हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो उसका यहाँ पे गिरना में ऐसा कुछ मिल जाता है। टोल बोर्ड का यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट दिया गया। ओवरऑल ये जो सेंटर कंसोल है वो आप यहाँ पे देख पाते होंगे और यहाँ पे आपको हजार्ड्स का बटन मिल जाता है। बाकी एसी के जो कंट्रोल्स हैं मैनुअल वो यहाँ पे आपको मिल रहा है और यहाँ पे आपको जो ORBM के कंट्रोल्स है वो ऐसे ही मैनुअली आप सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकली नहीं दिया गया है। और डोर की हम बात करते हैं तो वही वाला आपको जो पहले से क्रैप हैंडल आता था वो वाला यहाँ पे फील मिलता है, डोर हैंडल से यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं है। फिलहाल आपको अगर हम इसमें देखते हैं डेड पैडल, ये देखिए पैर रखने का अलग से यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। और कम्फर्ट वाइज बात करते हैं, कम्फर्ट काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है और इसकी काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग जो है ना बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कवर वगैरह प्रॉपर आप लगा सकते हो और फिलहाल ये कवर लगाया गया, सीट कवर भी यहाँ पे लगाया गया है, ऐसे कुछ सीट मिल जाता है। और यहाँ पे चारों पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक्स मिलता है, ऐसे कुछ बाकी कुछ सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। तो आई होप ये हो गई सामने की जो है पूरी कहानी। आइए इसके चलते हैं हम सेकेंडों की तरफ ओके। तो यहाँ पे सीट एडजस्टेबल यहाँ से ही ऐप जो है थोड़ा बहुत कर सकते हो, बाकी इससे आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिया गया है ओके। तो चलिए सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका सेकेंड रो और ऐसा कुछ डोर ट्रिम मिलता है। पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो सामने ही मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये देखिए अभी भी कुछ एसेसरीज यहाँ पे लगाए नहीं गए हैं जो कि रखे गए हैं अंदर में स्टॉक में। और ये ऐसा कुछ सीट मिल जाता है, तीन लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं विद आपको प्रॉपर जो है सीट कवर लगाए गए हैं और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वगैरह मिलता है। तो ये है ओवरऑल केबिन, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और चलिए इंजन बे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 300 न्यूटन मीटर वाला इंजन मिलता है। तो यहाँ से हम जो है ये जो है बोनट को करते हैं ओपन और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट पहले, क्योंकि इंजन की साउंड भी तो आपको सुनाना है। गाड़ी को जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं देखिएगा बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका और ओके देख रहे हैं बिल्कुल भी जो है नहीं किया है। और चलिए
तो बोनट को हम लोग ओपन करते हैं, गाड़ी अभी जो है स्टार्ट नहीं कर रहे, तो भाई साहब ये आप देख सकते हो प्रॉपर जो है इसका इंसुलेशन वगैरह लगाया गया है। और यहाँ पे आपको मिलता है 2.2 लीटर डीजल CIDI डीजल इंजन मिल रहा है टर्बो चार्जर के साथ में, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व। और इसके अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं 130 BHP का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है विद 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आवाज़ सुनना है आपको इंजन की, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में प्रॉपर, ये काफ़ी रिलायबल महिंद्रा का आपको डीजल इंजन यहाँ पे ऑफर करता है। फिलहाल मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी स्मूथ और काफ़ी जो है सुधार मतलब हुआ है, जैसे पहले जो है गियर नॉब वगैरह वाइब्रेट करता था वो चीज़ नहीं। ये देख रहे हैं ये है महिंद्रा का एमहॉक इंजन, आप साउंड चेक करिए, ओके। तो इसको हम करते हैं बंद। तो ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एस आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपके मन में आ रहा हो इसकी प्राइस क्या है, भाई ऐसे एक्सेसरीज जो लगाए गए हैं कितना जो है पड़ा है, तो ये लगभग 1 लाख के आसपास में ये जो है चीज़ें आ जाती हैं। और एक शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो अभी हम हैं शिवनाथ महिंद्रा रायपुर मोवा के शोरूम में, और यहाँ पर ये कॉस्ट करती है 13,50,000 एक शोरूम। और ऑन रोड की बात करते हैं तो लगभग 17.5 लाख के आसपास में ये गाड़ी जो है आपको आ जाती है विद एसेसरीज, मतलब सारे एलॉय व्हील्स और जो भी एसेसरीज है उसको लेकर। और बाकी और भी क्वेरीज के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है और भी जानकारी ले सकते हैं। तो गाड़ी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।